नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। संसद में ईडी दफ्तर तक विपक्ष का मार्च, अडानी पर लगाए गए आरोपों को लेकर विपक्ष हुआ हमलावर। लालू राबड़ी को मिली राहत, कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में दी जमानत। राज्य में हजारों किसान निकले पदयात्रा पर, वित्तीय राहत, निरंतर बिजली सप्लाई और कर्ज माफी की मांग। राज्य में H3N2 के 352 मरीज मिले, वायरस से देश में अब तक 9 लोगों की मौत। 25 मार्च को CBI के सामने पेश होंगे तेजस्वी यादव। संसद भवन में गांधी प्रतिमा से गेट नंबर 4 तक मानव श्रृंखला बनाएगी विपक्ष। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव रखेंगे मनीष तिवारी। इंदौर में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने की हवा फायरिंग। इमरान खान को हाईकोर्ट से मिली राहत, पुलिस पीछे हटी। और स्पाइस जेट के 2 पायलटों को विमान में मस्ती करनी पड़ी भारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर लिया गया उनके खिलाफ एक्शन।